नमस्कार, कशिश न्यूज के खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। दुर्गा पूजा की धूम हर ओर देखी जा रही है और इसी कड़ी में नवरात्र के मौके पर हम राजधानी के पूजा पंडालों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। डाक बंगला चौराहा की ये तस्वीर है। अगले आधे घंटे तक हम आपको यहाँ की हर एक वो गतिविधि दिखाएंगे और माँ की तस्वीर जो प्रतिमा है वो दिखाएंगे, पंडाल दिखाएंगे और जो भीड़ भाड़ किस तरीके से यहाँ पर माँ की पूजा करने के लिए पहुंची, तमाम चीजें दिखाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। तो ये देखिए भीड़, आलम भीड़ का कितना है। और चलिए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और प्रतिमा के दर्शन कराते हैं और फिर आगे आपसे हम बातचीत करके दिखाएंगे दर्शकों की कितनी या कितनी भीड़ है यहाँ पर। आप देखिए कि जो कितने भक्त हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर और भीड़ का आलम काफी ज्यादा है। और इसी कड़ी में हम साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज महानवमी का दिन है और माँ के नवे स्वरूप की पूजा होती है, सिद्धिदात्री स्वरूप जो है उसकी पूजा आज की जाती है। और ये देखिए पंडाल से अंदर अब हम माँ की प्रतिमा का दर्शन आपको कराएंगे और आज विशेष पूजन और हवन किया जाता है। चूँकि नवरात्र 9 दिनों का जो महान त्यौहार है, पर्व है, तो 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। ये देखिए ये पंडाल के अंदर हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ की तस्वीरें और यहाँ किस तरीके से व्यवस्था की गई वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको जो माँ की मनोहरी प्रतिमा है, मनोरम प्रतिमा है, वो देखिए, दर्शन कीजिए आप। और नवरात्र के 9वें दिन माँ की पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ कन्या पूजन इस वक्त चल रहा है और कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। छोटी छोटी कन्याएं हैं और माँ के स्वरूप में ये छोटी छोटी कन्याएं आती हैं भोजन करने और इन्हें ऐसा विधान है कि माँ के स्वरूप की जो कन्या है इनको भोजन कराया जाता है नवरात्र के 9वें दिन। और कन्या पूजन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं भक्तगण और माता की पूजा आराधना में ये लीन है। और तस्वीरें आप देखिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी अपराजिता भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अपराजिता, आज 9वां दिन है नवरात्र का और महानवमी का आज पर्व है, आप काफ़ी देर से इस वक्त हैं। भीड़ का जो ये आलम है ये पिछले कुछ समय पहले 2-3 साल पहले की याद दिलाता है। बिल्कुल, 2-3 साल पहले की याद दिलाता है क्योंकि 2 साल से तो कोविड की वजह से नवरात्र उत्साह नहीं देखने को मिल रहा था। इस तरीके से पंडाल और इस तरीके से भीड़ जो उमड़ रही है वो 2 साल से फीकी पड़ी हुई थी। दर्शन करने के लिए भक्त जन जो श्रद्धालु हैं वो पंडाल में आने के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ काफ़ी देर से हूँ और धीरे धीरे काफ़ी भीड़ भक्तों की यहाँ पे आ रही है। अपराजिता, अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है। आपने देखा किस तरीके से जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? काफ़ी प्रशासन जो है काफ़ी सख्त है। हर चौक चौराहे पर पुलिस यहाँ पे गश्ती कर रही है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है पंडालों में। यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है, हर एक महिलाओं की लाइन जो होती है और जो पुरुषों की लाइन होती है माता के दर्शन करने के लिए वो अलग अलग किए गए हैं। कोई भी जो पंडाल है उसके सामने भीड़ ना लगे उसके लिए व्यवस्था की गई है। माता का दर्शन कर रहे हैं और उनको आगे की ओर बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था। चलिए हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को जो तस्वीरें यहाँ की, देखिए डाक बंगला की ये तस्वीर है, डाक बंगला चौराहा की, और यहाँ का पंडाल काफ़ी फेमस होता है। कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जरा कैमरा पर्सन से हम कहेंगे इस भीड़ को दिखाइए कि इसी भीड़ और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को महसूस करने के लिए काफ़ी लंबे वक्त से लोग ये चाह रहे थे कि कब ये मौका मिले, माँ भवानी की कृपा कब हो कि ये तस्वीर देखने को मिले। और इस तस्वीर को देखने के लिए लगभग 2 साल से लोग तरस गए थे, लेकिन माँ की कृपा हुई और अब ये तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जो इस आनंद की अनुभूति कराता है। माँ की आराधना में सभी लोग लीन रहते हैं और इस भक्ति भाव के माहौल को ये तस्वीर बता रहा है कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ श्रद्धालु हम इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है आज मेला घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 2 सालों से ये तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही थी और अब कितना उमंग है, माँ को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही इस चीज़ को हम लोग मिस कर रहे थे। आशीर्वाद बनाए रखे, आफ्टर ऑल लॉकडाउन के बाद इतने अच्छे से हो रहा है तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और ऐसे ही हमें हर साल ऐसे ही हो, ऐसे ही मत आए। 9 दिन के पूजा के बाद आज सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, हवन होता है, अब संपन्न माना जाता है नवरात्र। और आज के दिन काफ़ी संख्या में लोग घूमने के लिए चलते हैं, क्या प्लानिंग है घूमने का, पूरा पटना घूमने का? यही प्लानिंग है कि सब देखे, आफ्टर ऑल 2 साल बाद इतने अच्छे से सब कुछ हुआ है और इतना सारा भीड़ के बाद एक्चुअली मिला नहीं था 2 साल।
इस वजह से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलिए कुछ बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। मेला घूमने कहाँ कहाँ घूमे अभी? अभी आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं अभी। अभी आ ही रहे हैं, अभी और जगह जाना है। हाँ। चलिए और बहन से जानेंगे, इस बार नवरात्र का मौका है और खुलकर सब लोग घूम रहे, कोई प्रतिबंध नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था तो पूरी अच्छी है। क्योंकि अब भीड़ काफ़ी हो जाने के बाद क्राउड होता है, भीड़ में थोड़ा सा संभव नहीं होता है सर, क्योंकि हर बिहार का सबसे दामी पूजा है डग बंगला, लोग शौक से आते हैं डग बंगला चौराहा को देखने के लिए। बाकी सब यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अरेंजमेंट को लेकर यहाँ हम इनसे भी बात कर लेते हैं, कितना चुनौती है इस भीड़ को संभालना, कैसे आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं? अग्नि सुरक्षा बनाए रखने के लिए, व्यवस्था के दुरुस्त के लिए हम लोग बढ़िया प्राधिकारी का आदेश है, हम लोग अग्नि सुरक्षा के लिए एकदम तैनात हैं। जो भी मतलब त्रुटि होगा उसके लिए हम लोग बहुत चुस्त दुरुस्त लगे हुए हैं। तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ है और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी रांची से जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और भी तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम डाक बंगला चौराहा की बात करें तो इस यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, हमारे पीछे की तस्वीर आप देखिए कैसे विद्युत सज्जा कराई गई है और जो बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। और इस वक्त जो डाक बंगला चौराहा की तस्वीर है वो आप देखिए, तमाम भक्तों से आग्रह है जो पंडाल के पास भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़े हैं रांची से, हरमू पंडाल से, हम उनके पास सीधे चलेंगे और वहां की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे। मनोज, आप रांची के हरमू पंडाल की तस्वीरें जरा दिखाइए और वहां की भक्ति की जो उत्साह है उसको जरा बताइए। देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे, आज महानवमी है और महानवमी का अभी शाम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरीके से उमड़ी है। यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ हरमू पंचमंदिर पंडाल में। हालांकि अगर हम कल की बात करेंगे तो कल बारिश की वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो उत्साह जो है श्रद्धालुओं का वो चरम पर नजर आ रहा है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जो घूमने आए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कितना ये कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो आज घूमने का मौका मिला है, बारिश आज नहीं हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद मौका मिला घूमने का, सजावट है, बड़े बड़े पंडाल है, तो कहाँ कहाँ घूमा आपने? अभी तो बस जस्ट यही पे है, यही से शुरुआत करी है हमने, बस अभी यही से शुरुआत कर रहे हैं, फिर आगे रातू रोड होते हुए उधर से। कल आप नहीं घूम पाई थी? नहीं, कल नहीं घूम पाया था हम लोग। हाँ, बारिश की वजह से एक दिन और पहले, उस पहले भी बारिश हो रही थी, उसके पहले भी बारिश हो रही थी, तो उसके वजह से घूम नहीं पाए। आज थोड़ा मौसम ठीक है तो सोचा कि चलो आज चला जाए। आप बताइए कैसा लग रहा है घूमना, कितनी तैयारी कर रखी थी घूमने के लिए? घूमने की तो बहुत सारी तैयारी थी, बट बारिश के कारण घूम नहीं पा रहे थे बस। और आज इनफैक्ट सबका मन बना घूमने का, तो हम लोग बाहर निकल गए घूमने के। काफी टाइम, लगभग 3 साल हो गया, 3 साल लगभग तो हो ही गया हम लोग के हिसाब से। 8 क्लास से, मतलब जब मैं 8 में थी, अभी मैं 11th में हूँ, मतलब 3 साल लगभग हो गया बाहर निकले दुर्गा पूजा में। मतलब कोरोना की वजह से 2 साल प्रतिमा नहीं बैठा, बच्चे और भी हैं, बताइए। तो आप सोच सकते हैं हमारे गॉडेस का पावर। बिल्कुल, तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आप देखिए ये डाक बंगला चौराहा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो विद्युत सज्जा की तस्वीरें हम कहेंगे कि दिखाई, बच्चों को कितना आकर्षण वो कर रहा है और बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं इससे। और यहाँ कुछ जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा, इस बार तो बहुत दिनों बाद हम लोगों को मौका मिला है घूमने का, बहुत बहुत भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बारिश भी रोक दिए हैं। दिन को हल्का ही बारिश हुई थी लेकिन अभी ठीक है, अभी मौसम सही है एकदम, भगवान से मना रहे हैं, माता रानी से कि बहुत पानी रुका रहे तो हम लोग घूम सके। कैसा लग रहा है मेला घूम के? बहुत अच्छा, मतलब
अगले मतलब जैसे कोरोना था तो रुक गया था पर अभी चल रहा है वो, इतना खुशी हो रहा है कि क्या बता। तो जो श्रद्धालु हैं ये लगातार आ रहे हैं मेला घूमने के लिए, पूजा पंडाल में माँ के दर्शन के लिए, और हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और सब लोग माँ की तस्वीर जो है उसका नमन कर रहे हैं, माँ की जो प्रतिमा है उसका दर्शन कर रहे हैं। आज नवमी के दिन पूजा पंडाल में जो, और एक बार फिर से हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलेंगे, हमारे झारखंड न्यूज कॉर्डिनेटर मनोज। रांची की पूजा पंडाल की तस्वीर जरा दिखाइए, और वहां भक्ति किस तरीके से है, कितना उत्साह है जरा बताइए। उत्साह का आलम है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो है बाजार पंडालों का दर्शन करने निकले। हमारे साथ एक बुजुर्ग श्रद्धालु है, हम इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है, इस साल भी अच्छा लगा है माता रानी के दया से। तो माता रानी के दया से ऊपर बादल जो है काफी गहरा, वो आज बंद है, आज माँ का मेहरबानी है, आज नहीं होगी बारिश, आज बारिश नहीं होगी, मौसम विभाग वाले कह रहे हैं नहीं होगी, ना नहीं होगी आज तो। मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि बारिश होगी, और ये कह रही हैं कि माता रानी की कृपा से बारिश नहीं होगी। आप लोग घूमने निकली है, कैसा लग रहा है इस बार, किस तरीके से बोला बोला बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पहली बार हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हरमू ने बनाया है। पंडाल का थीम गेमिंग है, तो बच्चे जो है खेल से अब दूर हो रहे हैं, वैसे में इस तरह क्या संदेश? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, हमें सब चीज से अटैच होना चाहिए, बहुत अच्छा है। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए कहाँ कहाँ आपने घुमा है, कितना मजा है? अभी हम लोग पांच मंदिर है। झूला झूला? नहीं नहीं, अभी नहीं झूला है, झूला भी झूलना है और चाट पकौड़ा भी खाना है। अभी देख रहे हैं, बोला अच्छा देख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो काफी उत्साहित है, लोग जो हैं इस पंडाल के साथ में सेल्फी ले रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। मैं अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रांची के पूजा पंडालों की बात करें तो एक से बढ़कर एक, दो दर्जन से अधिक पूजा पंडाल जो है यहाँ पे बने हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ जो पूजा की पद्धति है यहाँ पे जो दर्शनार्थी के बजे खड़े हैं मंच के सामने, भक्ति वहाँ भी चरम पर, और यहाँ देखिए तस्वीरें किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो डाक बंगला चौराहा की तस्वीरें हैं, आप देखिए जैसे जैसे शाम बढ़ रहा है और रात की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे भीड़ जो है काफ़ी बढ़ रही है, और दर्शन करने वाले और घूमने वाले लोग जो हैं वो कतारबद्ध होकर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये सड़कों पर ये तस्वीर आपको दिख रही है। तो और भी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे और यहाँ से जुड़ी, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नवरात्र का आज नौवां दिन है और पूजा पंडालों में जो दर्शन करने वाले उनकी भीड़ उमड़ रही है, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर भी दीघा से पूजा पंडाल से जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर, दीघा पूजा पंडाल की क्या तस्वीरें हैं? भक्ति निश्चित तौर पर वहां भी काफी ज्यादा है, उत्साह चरम पर होगी, तस्वीर दिखाइए। जी जरूर अमित, आपने सत्य कहा कि जो भक्तों की उत्साह है वो चरम पर है, और हमारे सहयोगी सुनील आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री संजीव प्रसाद टोनी जी, उपाध्यक्ष राजन कुमार यादव जी, महासचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा जी, काफी खराब जी, जैसे ही मौसम खुलता है माता के भक्त जो है वो माता के दर्शन के लिए आए थे। इसे क्या आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ जो है दीघा के पूजा पंडालों में साफ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें यहाँ के पूजा के मंदिर की, तो मंदिर के हम प्रतिमा की, तो प्रतिमा हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, हम पहुँच प्रतिमा स्थल पर जा रहे हैं और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो यहाँ का जो यहाँ जो मूर्ति है, यहाँ की जो मूर्ति बनाई गई है
मूर्ति कितनी भव्य है, भव्य तरीके की मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पर मूर्ति आप देखिए कितनी भव्य तरीके की मूर्ति है, और लोग आ रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा अब हम यहाँ की डाक बंगला की जो तस्वीरें हैं हम वो दिखा देते हैं, और यहाँ खास तौर पे इस वक्त कन्या पूजन चल रहा है, ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या खास महत्व है, यहाँ इस वक्त क्या चल रहा है, यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है, क्या इसका खास महत्व है। जी, कन्या पूजन इस वक्त चल रहा है और किस तरीके से इसका महत्व है आज? देखिए, होता क्या है, जो भगवान की आराधना पूजा की जाती है और भगवान भोजन करते हैं, तो भोजन करने का माध्यम होता है, स्वयं आगे तो भोजन करते नहीं, तो भोजन करने का माध्यम होता है, तो पहले माध्यम हुआ अग्नि के माध्यम से उनको भोजन कराया गया, अर्थात हवन किया गया। उसके बाद कन्या के माध्यम से माँ भगवती को पूजन का जो भोजन कराया गया उनको, और उसके बाद कन्या पूजन माँ स्वरूप की पूजा की गई कन्या में, और उनका भोजन कराया गया। आज जो है नवमी है, प्रतिपदा से लेके हम नवमी तक जो है अर्थात शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं सिद्धिदात्री जो सिद्धि देती है। अभी हम लोग पूजा के माध्यम से जो दैनिक पूजा हुआ वो हम लोग कर लिया, अब पूजा के बाद जो है माँ भगवती से पहले तो हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे जो हो सकता है, क्योंकि मंत्र के माध्यम में कहा गया है जो ब्रह्मादि देव जो हैं वो आपकी पूजा करने में सक्षम नहीं है, तो हम अल्पावधि के जो यहाँ पे मृत्यु भवन पे जो आए हुए हैं मानव वो हम कितना पूजा आपका करेंगे, तो उसमें जो त्रुटि रह गई उसके लिए हम लोग क्षमा मांगेंगे उनसे, और उनसे वरदान भी मांगेंगे जो हम जो आराधना किए हैं। चलिए, तो माँ की विशेष आराधना होती है, और तो कन्या पूजन का क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूजन की जाती है, क्या महत्व इसका, ये पंडित जी जो है इन्होंने बताया। और माँ की पूजा अर्चना में लोग लगे हैं, लीन हैं, और भक्ति अपने चरम पर है और उत्साह काफी ज्यादा है, और क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद ये मौका मिला है।